दुबई में असलाहधारी बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों रुपए एवं नकदी गहने उड़ाए। मौके पर पुलिस बल तैनात। आवाज सुन मालिक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। सुबह होते ही सूचना मिलने पर पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डोरी फतेहपुर थाना अंतर्गत ग्राम धुरवई निवासी श्रवण कुमार बाजपाई के अनुसार रात्रि में वह अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गया। तभी मध्य रात्रि 7 से 8 अज्ञात बदमाश असलाहा लेकर घर में घुस गए। आहट सुनने पर उसकी नींद खुल गई और उसने जब देखा तो उसे बदमाश नजर आए। उसने शोर मचाते हुए बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए। ये देख बदमाशों ने श्रवण बाजपाई और उसके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। इसके बाद घर में रखे लगभग 4 लाख की नकदी और लाखों कीमत के गहने लेकर भाग निकले। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी कर कार्यवाही शुरू कर दी। रात्रि में करीब 1:15 बजे और कुछ अज्ञात लड़के मकान के अंदर दीवार खान कर घुस आए और बैठे थे वहाँ। रात में बारिश की आशंका होने के कारण मैंने देखा कि बारिश देखे कितनी हुई। मैंने कमरे का गेट खोला, गेट खोलने के बाद देखा तो जीने पर काफ़ी लड़के बैठे थे, करीब 7-8 लगभग होंगे। क्या क्या ले गए आपका? तो सारा पत्नी का जेवर ले गए हैं, बेटी का जेवर ले गए। मारपीट भी किए कि आपके साथ? मारपीट भी, हाथ में हाथ पैर बांध दिए थे, मारपीट की, कट्टे की बट मार दी, सिर में चोट आ गई और पत्नी के हाथ बांध दिए थे। पत्नी का जेवर ले गए, बेटी का जेवर ले गए, बहू का जेवर था, बहू का जेवर ले गए। पुलिस से शिकायत की है आप? जी हाँ, पुलिस से। झांसी जनपद में थाना टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है दुरबई। उस गांव में 8:45 रात्रि में लगभग 12:45 बजे रात्रि में कुछ अज्ञात लोग एक मकान में घुसे और उस मकान में 3 लोग मौजूद थे। वो तीनों को बंधक बनाकर कट्टा का भय दिखाकर उन घर के अंदर पूरा सर्च करके जो सोना चांदी का आभूषण जैसे जेवरात, अंगूठी, जंजीर, इस तरह का पूरा ज्वेलरी लेके फरार हो गए हैं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा सूचना दिया गया था। तत्काल मौके पर मैं और अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम भी बुला लिया गया था। घटना का खुलासा के लिए टीम गठन किया गया है, 3 अलग अलग टीम गठन किया गया है सीओ मोरानीपुर नेतृत्व में। घटना जल्दी खुलासा